नेक्स्ट प्रीपोजिशन इज एट। एट एक्सप्रेसेस प्रॉक्सिमिटी विथ एक्चुअल और इंटेंडेड कॉन्टैक्ट। फर्स्ट में हम देखेंगे प्रॉक्सिमिटी इन टाइम। प्रॉक्सिमिटी इन टाइम में होता है ही विल कम एट 4 o'clock, ही केम एट नून, एट नाइट, एट मिड नाइट। इसी तरह से नेक्स्ट प्रॉक्सिमिटी इन प्लेस, ही लिव्स एट मधुबनी, ही इज एट होम। नेक्स्ट इंडिकेटिंग प्राइस, रेट, स्पीड, इसको हम लोग कह सकते हैं प्रॉक्सिमिटी इन वैल्यू स्पीड। राइस सेल्स एट ₹10 अ किलो, एट व्हाट प्राइस इज दिस सोल्ड। द ट्रेन इज रनिंग एट 60 किलोमीटर्स एन आवर। तो इस तरह से प्राइस, रेट और वैल्यू में भी एट का प्रयोग होता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे प्रॉक्सिमिटी इन एम और डायरेक्शन। एम के सेंस में, डायरेक्शन के सेंस में भी एट का प्रयोग होता है। जैसे सी इज लुकिंग एट हिम, ही फ्राउंड एट हिम फॉर लाफिंग एट हिम। नेक्स्ट प्रॉक्सिमिटी इन स्टेट ऑक्यूपेशन, इंडिकेटिंग अ स्टेट, कंडीशन और कंटिन्यूस एक्टिविटीज को ये बताता है। चिल्ड्रेन आर एट प्ले, दे आर एट वर्क। नेक्स्ट प्रीपोजिशन हम लोग देखेंगे बिफोर। बिफोर जो है अर्लियर देन, समबडी और समथिंग के सेंस में यूज होता है। ही विल कम बिफोर लंच, सी हैज लिव्ड देयर सिंस बिफोर द वॉर। नेक्स्ट इन फ्रंट ऑफ और इन द प्रेजेंस ऑफ के सेंस में भी बिफोर का प्रयोग करते हैं। जैसे ही स्टूड बिफोर द जज, ही सेड इट बिफोर विटनेस। नेक्स्ट प्रीपोजिशन बिलो। बिलो का मतलब होता है नीचे, एट अ लोअर पॉइंट और डिग्री। प्लीज डोंट राइट बिलो दिस लाइन, यू कैन अंडरस्टैंड एंड द प्रीपोजिशन इज अंडरलाइंड हियर। ही स्टूड बिलो मी इन द क्लास। नेक्स्ट प्रीपोजिशन बिहाइंड। बिहाइंड द डॉग रैन बिहाइंड इट्स मास्टर, ही हिड बिहाइंड द ट्री। नेक्स्ट प्रीपोजिशन बियॉन्ड। बियॉन्ड का मतलब होता है ऑन द फार्दर साइड ऑफ। जैसे माई हाउस इज बियॉन्ड दोज हिल्स, इट इज बियॉन्ड बिलीफ। नेक्स्ट प्रीपोजिशन बट। बट एक्सेप्ट के सेंस में यूज होता है, एवरी वन वॉज देयर बट यू। तो एक्सेप्ट, एक्सेप्ट का मतलब सिवाय के सेंस में यूज होता है। नो बडी बट यू कुड बी एबल। नेक्स्ट प्रीपोजिशन बाई। बाई जो है ये नियरनेस ऑफ सम काइंड को दर्शाता है। पहला नियरनेस इन प्लेस बताता है, कम एंड सिट बाई मी, देयर वॉज अ हाउस बाई द चर्च। नेक्स्ट नियरनेस इन टाइम, कैन यू फिनिश द वर्क बाई 4 o'clock। इंडिकेटिंग मीन्स वी ट्रेवल बाई कार, बाई बस, मे आई पे बाई चेक। और नेक्स्ट प्रीपोजिशन जो है ये है फॉर। पहला इसमें हम देखेंगे इंडिकेटिंग पर्सनल बेनिफिट, ये पर्सनल बेनिफिट को इंडिकेट करता है। दिस इज फॉर यू, व्हाट इज फॉर रवि। नेक्स्ट इंडिकेटिंग डायरेक्शन प्लेस, ही विल सून स्टार्ट फॉर होम, इज दिस द ट्रेन फॉर दिल्ली। इस तरह से नेक्स्ट इंडिकेटिंग काउज और रीजन, सी डांस्ड फॉर जॉय, He got a prize for bravery. Next preposition, next period of time, he has been running for an hour. Next indicating support, I am speaking for all the workers. Next in spite of, for all his wealth he is not happy. Next exchange ke sense mein bhi use karte hain, he sold his horse for 5,000. And last indicating purpose or function, he went for a walk. तो इस तरह से हम लोग preposition का different uses करते हैं। और ये students आपको exercise बनाने के लिए दिया जा रहा है preposition से। यहाँ पे है insert appropriate preposition। अब आप study के अनुसार, पहला video भी दिया गया और next video में भी मैंने prepositions को explain किया है। इसमें है इंसर्ट एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन, जो इसका एप्रोप्रिएट सूटेबल प्रीपोजिशंस होगा उसको इसमें भरना है।
जो भी इसमें क्वेश्चंस दिया गया है इसको आप अपने कॉपी में लिख लें और उसके बाद आप इसको बनाने का प्रयास करें। और इधर भी कुछ क्वेश्चंस दिया गया है इसको भी आप नोट डाउन कर लें और फिर इसको बनाएं। बनाने के बाद जो भी परेशानी होता है उसके बाद आप मुझसे कॉन्टैक्ट करें। थैंक यू सो मच।